दोस्तों, अगर आप भी सीआईडी शो देखना पसंद करते हैं और सीआईडी के जय और बीरू यानी कि दया और अभिजीत की दोस्ती आपको अच्छी लगती है, सीआईडी शो आपको पसंद है, तो इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन यानी कि जो घंटे का बटन है नीचे, उसे दबा के ऑल सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, दया ने लगा दिया है अभिजीत के सर पर बंदूक। तो क्या है पूरा मामला? जो दोनों दोस्तों पूरा जिगरी दोस्त थे, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं, उसी में से दोस्तों एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के सर पर बंदूक लगा दिया है। तो क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सीआईडी का जो शो है ये जाना जाता है तीन लोगों के नाम से। एक है एसीपी प्रद्युमन, दूसरा है दया, तीसरा है इंस्पेक्टर अभिजीत। इन तीनों की जो तिगड़ी है ये सीआईडी में काफ़ी कमाल करती है, काफ़ी धमाल करती है। गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, ये तीनों उसको पकड़ ही लेते हैं और इसमें सीआईडी की टीम उनकी मदद करती है। उनकी अगुवाई में जो मिशन होता है अपराधी को पकड़ने का, वो पूरा करती है। तो दोस्तों, सीआईडी में इन तीनों की काफ़ी अहमियत है। तो ऐसा क्या हो गया कि दया ने अभिजीत के सर पर बंदूक लगा दिया? तो दोस्तों, ये एपिसोड होने वाला है अभिजीत के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अभिजीत जो है उनकी जो याददाश्त होती है वो कभी कभी एपिसोड में चली जाती है। आपने सीआईडी का सीजन 1 अगर देखा होगा, उसमें कई सारे एपिसोड्स में आपने ये देखा होगा कि अभिजीत की याददाश्त जो है वो चली जाती है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सर पर चोट लगने के कारण अभिजीत खुद को सीआईडी का दुश्मन समझने लगते हैं और सीआईडी के मेंबर्स के ऊपर हमला करने लगते हैं, और आखिर में दया ही होते हैं वो सुपरस्टार जो अभिजीत को काबू करते हैं और उनको अपनी याददाश्त वापस लाने में मदद करते हैं। इसलिए दोस्तों, वो जब अभिजीत को पकड़ते हैं तो अभिजीत अपनी याददाश्त खो चुके होते हैं, वो सीआईडी का दुश्मन बन चुके होते हैं। इसलिए दोस्तों, मजबूर होकर दया जो है वो अभिजीत के सर पर बंदूक लगाए होते हैं। ये एपिसोड दोस्तों आपको सीआईडी के सीजन 2 में ही देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग इस एपिसोड को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।